आज मैं बहुत दूर की बात करने वाला हूँ, शायद 2060-70 की, क्योंकि जिस तरह का रोमन रेंज का लेजेंडरी टाइटल रेन चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो अगले 50-60 साल तक हारने वाले हैं। बट फिर भी मृदुल ने कमेंट किया है कि जे ब्रो, जब रोमन रेंज अपनी टाइटल्स हार जाएंगे तो उसके बाद उनका क्या होगा, वो क्या करेंगे मतलब WWE में। एंड यार, इस वीडियो में आप सबके लिए एक ऐसा प्राइज लेके आया हूं जिससे कि यार आपकी लाइफ में एंटरटेनमेंट कभी खत्म ही नहीं होगा। यार आपको मिल सकता है ब्रांड न्यू PlayStation 5, वो भी सिर्फ ₹1 में। यार गेमर्स को तो मतलब जैकपॉट ही मिल गया ना, और बाकी सबके भी बचपन के सपने पूरे हो जाएंगे। एंड आप इसे जीत कैसे सकते हो, उसके लिए वीडियो को देखते रहो बस। जो पूरा हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर रोमन रेंस का, ये तो पूरा इन टाइटल्स पे ही है कि वो भाई नंबर वन पे, जब उनका ये नंबर वन स्पॉट चला जाएगा उनके पास से, तो फिर वो क्या करेंगे। वेट, अगर आपके मन में कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है रेसलिंग रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे, क्या पता अगली वीडियो आपके टॉपिक में बन जाए। सर पहले तो मैंने मजाक में बोल दिया 2060-70 तक तो नहीं जाएगा टाइटल रेन, बट हाँ यार ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार मैंने देख लिया कमेंट सेक्शन में कि भाई रोमन रेंस जब अपनी चैंपियनशिप हार जाएंगे फिर उनका क्या होगा, फिर वो क्या करेंगे। सर इसका कोई मतलब ऐसे ट्रेमेंडस आंसर नहीं है, बहुत ही लॉजिकल सी बात है। अगर आप पूछ रहे हो कि भाई किसके साथ फ्यूड करेंगे, कौन सी स्टोरी लाइन चलेगी, उनका नेक्स्ट मैच किसके साथ होगा, कौन से इवेंट में होगा, कितने टाइम बाद होगा, मतलब अगर ये सारी चीजें आप मुझसे पूछ रहे हो, अभी आप सबकी तरह ही WWE देख रहे हो, ठीक है। इतना तो इनसाइडर्स मतलब खुद WWE को भी पता नहीं होगा कि वो क्या करेंगे, बट हाँ एज एन ओवरव्यू मैं आपको बता सकता हूँ कि ये WWE उसके बाद रोमन रेंस का क्या करेगी और रोमन रेंस WWE के साथ क्या करेंगे। फिर पहला क्वेश्चन तो वहीं पे आके अट जाता है कि रोमन रेंस अपनी टाइटल लूज कब करेंगे। इस साल तो अब मुश्किल लग रहा है, रेसलमेनिया 40 एक प्लेस हो सकता है, लेकिन अभी न्यूज सामने आई थी कि WWE चाह रही कि उनसे हल्क होगन का रिकॉर्ड ब्रेक करवाना है, जो कि सितंबर में होगा, जिसके लिए रोमन रेंस को रेसलमेनिया 40 में भी अपनी चैंपियनशिप रिटेन करनी पड़ेगी और सितंबर तक चैंपियन रहना पड़ेगा। उस हिसाब से तो रॉयल रंबल 2025 में अपनी चैंपियनशिप हारेंगे। यार यही हमें क्लियर नहीं है तो आगे तो क्या ही बोलें फिर। पर चलो ठीक है, अपने दृष्टिकोण को थोड़ा और ज्यादा आगे लेके जाते हैं, ठीक है। पहले तो मैंने आपको बता दी कि डिपेंड करता है कि ये टाइटल रेन खत्म कब होगा, तो मान के चलते हैं कि भाई 2025 में ये टाइटल रेन खत्म होगा, ठीक है। मतलब मैक्स टू मैक्स वहीं तक जाएगा ना, उससे ज्यादा तो नहीं जाएगा। मान लो रॉयल रंबल 2025 में रेन खत्म हो गया, और हम सबको ऑलरेडी पता है कि WWE ब्लड लाइन में क्रैक्स दिखाना शुरू कर चुकी है। जे उसो की रोमन के साथ नहीं बन रही है, बीच बीच में किसी के साथ भी नहीं बनती है, यानी क्रैक्स आना तो शुरू हो गए हैं ब्लड लाइन में, भले ही वो थोड़े हैं अभी, लेकिन धीरे धीरे वो क्रैक्स बढ़ते जाएंगे। एंड इवेंचुअली रोमन रेंस की ब्लड लाइन, रोमन रेंस की फैमिली वो रीजन बनेगी जिस वजह से रोमन रेंस का टाइटल रेन एंड होगा। जब ये चीज होगी तो हमें पता है कि रोमन रेंस काफी लंबे टाइम की ब्रेक के लिए चले जाएंगे, क्योंकि ये जो पूरा कैरेक्टर है रोमन रेंस का, ट्राइबल चीफ वाला, हेड ऑफ द टेबल वाला, ये सारा इन चैंपियनशिप्स की वजह से। ये पॉल हेमन ने भी बात कही थी, अगर ये नहीं है तो कोई ट्राइबल चीफ नहीं है, कोई हेड ऑफ द टेबल नहीं है, रोमन रेंस का ये कैरेक्टर ही नहीं है। मतलब वो अपना जो चीफ वाला हील वाला कैरेक्टर वर्जन लेके चलते हैं, टाइटल लूज करने के बाद वो चला जाएगा उनका। और मुझे पर्सनली लगता है कि जब रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप हार जाएंगे अपनी फैमिली की वजह से, तो कुछ महीनों बाद जब वो रिटर्न करेंगे अपना, तो वो अपनी फैमिली फ्यूड ही शुरू करेंगे। वो दोबारा से फिर चैंपियनशिप पिक्चर में इन्वॉल्व नहीं होने वाले, वो अपनी फैमिली के पास जाएंगे, उनसे जवाब मांगेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मे बी इन सबके बीच फ्यूड भी हो जाए, एक लंबी स्टोरी टेलिंग हो जाए, मैचेस भी देखने को मिले हमें काफी सारे इस फैमिली फ्यूड के, बट एट दी एंड रोमन रेंस को रियलाइज हो जाए कि वो बहुत ही बड़ी गलती कर रहे थे और उनकी फैमिली ने इसलिए उन पे टर्न किया क्योंकि रोमन रेंस एक बुरे इंसान बन गए थे और वो सबको कंट्रोल करने लग गए थे, और इसी तरह हैप्पी एंडिंग में स्टोरी लाइन खत्म हो जाएगी। सारे भाई बंधु मित्र जहान सब कुछ मिलके बल्ले बल्ले करेंगे, ठीक है। और उसके हिसाब से तो 2026 भी आ जाएगा। चलो तो यार अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप एक ब्रांड न्यू सोनी प्लेस्टेशन 5 जीत सकते हो। तो यार 5th of May यानी कि आज ही के दिन इंडियन T20 लीग में राजस्थान वर्सेस गुजरात का मैच होने वाला है। एंड यार मैच से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से My11 सर्कल को डाउनलोड करो और अभी अपनी टीम बनाओ। टीम बनाने के लिए आपको दोनों टीम से 11 बेस्ट प्लेयर सेलेक्ट करने हैं और उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। आपके जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतने ही बड़े प्राइजेस आपको मिलेंगे। और एक ब्रांड न्यू प्लेस्टेशन जीतने के लिए आपको करना क्या है, My11 सर्कल को डाउनलोड करके गिव अवे कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करना है, जिसकी एंट्री फीस सिर्फ ₹1 है। और यार ये जो कॉन्टेस्ट है ये सिर्फ 5th May यानी कि आज वाले मैच के लिए वैलिड है, सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए और मेरे लिंक से एक्टिवेट होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप टूर्नामेंट के हर एक मैच में मेगा कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करोगे तो आप 1 करोड़ तक जीत सकते हो। सेकंड प्राइज जीतने वाले को मिलेगी चमचमाती महिंद्रा थार। और अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से My11 सर्कल को डाउनलोड करोगे और मेरा ये कूपन कोड यूज करोगे तो डिपॉजिट करते ही आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिल जाएगा। यार वेट किसका कर रहे हो, डाउनलोड दी ऐप फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एंड मेक योर टीम फॉर राजस्थान वर्सेस गुजरात मैच ऑन My11 सर्कल नाउ। और जैसे ही 2026 आ जाएगा तो मैं जॉन सीना वाला हिसाब लगा रहा हूँ। जॉन सीना ने 2002 में अपना डेब्यू किया था और 2016 के टाइम पे वो क्या कर रहे थे, बीच बीच में आते थे, कभी नहीं आते थे। और रोमन रेंस को तो अभी से इतना लाइट स्केड्यूल हो गया हुआ है कि वो रेयरली हमें शोज पे देखने को मिलते हैं, यानी कि उस टाइम तक तो वो ब्रॉक की तरह हो जाएंगे बिल्कुल, सिर्फ प्रीमियम लाइव इवेंट्स में अपने मैचेस रेसल करेंगे। आएंगे, किसी को भी चैलेंज करेंगे, जिस भी नए सुपरस्टार को ओवर करना
होगा, कुछ मैचेस जीतेंगे कुछ हारेंगे, साल में शायद 4-5 मैचेस रेसल करें जैसे कि ब्रॉक करते हैं, और 1-2 साल तक ये करने के बाद 2028 जब आ जाएगा तो रोमन इस बिल्कुल सीना वाला पास पकड़ लेंगे, वो चले जाएंगे हॉलीवुड की तरफ, और बिल्कुल जॉन सीना जैसे कभी कभी हमें देखने को मिलते हैं एग्जैक्टली उसी तरह रोमन रेंस हमें कभी कभी देखने को मिलेंगे। शायद वो अपनी लास्ट मेजर स्टोरी लाइन देंगे द शील्ड के साथ 2028 में, जब यार डीन एम्ब्रोस का वापस से WWE में रिटर्न होगा, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट AEW के साथ 2027 के एंड तक है, यानी कि रॉयल रंबल 2028 में जॉन मॉक्सली मतलब डीन एम्ब्रोस के WWE रिटर्न करने के चांसेस तो काफी ज्यादा है। तो हो सकता है WWE स्ट्रायो का मैच एक लास्ट टाइम फिर से बुक कर दे, रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस डीन एम्ब्रोस फॉर रेसलमेनिया जो भी होगी उस साल, और बिल्कुल जैसे एंड ऑफ एन एरा हमें देखने को मिला था ना 2013 में, एग्जैक्टली वैसा ही हमें एक और एंड ऑफ एन एरा देखने को मिलेगा 2028 में, जब ये तीनों मैच रेसल करेंगे उसके बाद तीनों एक दूसरे को गले लगा के चले जाएंगे, और फिर तो भाई रोमन रेंस की अपीयरेंसेस इतनी कम हुआ करेंगे कि हमारी आंखें तरस जाएंगी। अभी जो जो हेट करते हैं रोमन रेंस को उस टाइम बोलेंगे यार कब रोमन रेंस देखने को मिलेंगे यार, और जैसे कि अभी हमारे थंबनेल्स पे रोमन रेंस देखने को मिलते हैं आपको, उस टाइम पे शायद ऑस्टिन थ्योरी वो नाम हो या पता नहीं कौन वो नाम होगा, जॉन सीना तो तब तक कंप्लीटली रिटायर हो गए होंगे, और धीरे धीरे रोमन रेंस का शेड्यूल बनता जाएगा द रॉक की तरह, और ऐसे करते करते 2032 या 35 जब आ जाएगी तो मस्त द शील्ड को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट कर दिया जाएगा, और फिर रोमन की कंप्लीटली छुट्टी भी हो जाएगी। तो आप समझ गए कि यार ये जो मेजर रन चल रहा है ना अभी रोमन रेंस का, इसे आप जितना एंजॉय कर सकते हो जितना खुशी से एंजॉय कर सकते हो करो, क्योंकि यार बस 1-2 सालों की बात है, 2 साल बाद जब हम वापस मुड़ के देखेंगे तो सोचेंगे यार क्या मजे थे यार उस टाइम पे जब रोमन रेंस चैंपियन हुआ करते थे, लगातार 3 या 4 साल तक चैंपियन थे, वैसी क्यों नहीं हो जाती वापस से WWE, क्योंकि ऐसा हमेशा ही होता है और मैंने हमेशा देखा है जिस रेसलर को जिस सुपरस्टार को हम हेट कर रहे होते हैं करंट टाइम में और हम बोलते हैं कि यार ये क्या बेकार WWE चली हुई है, अगर उसी टाइम को वापस से मुड़ के देखा जाए तो लगता है कि यार क्या स्पेशल थी यार WWE। हाँ मतलब कुछ साल तो चलो होते ही खराब है, लेकिन फिर भी यार आप ही सोचो मतलब पुरानी WWE आप मिस नहीं करते, और यार ये जो रोमन रेंस का रेन चल रहा है जिसमें हम करंटली जी रहे हैं, फ्यूचर के बच्चे मतलब वो देखेंगे तो वो बोलेंगे भाई आपने तो लाइव देखा है, मतलब बिल्कुल ऐसा है, मतलब हम बोलते हैं ना यार एटीट्यूड एरा के टाइम पे क्या थी WWE, मजा ही आता था देखने को यार, काश हम भी उस टाइम पे होते, तो वैसे ही फ्यूचर जनरेशन भी बोलेगी, हम बोलेंगे यार हमने देखा है भाई रोमन रेंस को 3-4 साल चैंपियन बने हुए, बेस्ट टाइम था यार WWE का। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार मैं आपको हर एक मैच बता दूंगा किसके बाद क्या होने वाला है, तो हर एक मैच तो नहीं लेकिन मैंने ओवरव्यू के थ्रू मैं आपको सब कुछ बता दिया कि यार ये जो टाइटल रेन चल रहा है ये एक लास्ट ही प्रॉपर वाला रन हो रोमन रेंस का, इसके बाद वो बिल्कुल ही पार्ट टाइमर सुपरस्टार बन जाएंगे, कुछ कुछ वीकली शोज में आया करेंगे ब्रॉक की तरह, और ज्यादातर प्रीमियम लाइव इवेंट्स में अपने मैचेस रेसल किया करेंगे, क्योंकि एट द एंड जो भी कंपनी का फेस होता है उसका एंड गोल होता है कि उसे हॉलीवुड में काम करना है, और रोमन रेंस का भी मुझे लगता नहीं कि इससे कुछ डिफरेंट है, तो यार यही चीज है। चलो अगर आपको मैचेस जानने हैं ना कि कौन कौन से मैचेस होने वाले, तो आप में से किसी को कमेंट आया था कि जे ब्रो अभी से लेके रेसलमेनिया 40 तक रोमन रेंस का हर एक मैच बताओ। अब यार मैंने ये वाली चीज शुरू की थी, शायद एक्सट्रीम रूल्स आने वाला था या एक्सट्रीम रूल्स हो गया था उस टाइम पे, तब मैंने सीरीज शुरू की थी और रेसलमेनिया 39 तक के मैचेस बताए थे रोमन रेंस के। ठीक है यार, जिसका भी कमेंट था वो पिक हो चुका है, मैंने ऑलरेडी सेव कर लिया, उस पे भी वीडियो आ जाएगी। पहले बैकलैश की तैयारी कर लेते हैं यार, बैकलैश आने वाली परसों, और अभी डेली वीडियोस आ रही हैं यार, बहुत हाई चांसेस आपका कमेंट पिक होने के, तो कमेंट सेक्शन में अपना टॉपिक जरूर बता देना। अगर यही था जो भी था, हाँ यार जाने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से माय 11 सर्कल डाउनलोड करना मत भूलना, जिससे कि आप ब्रांड न्यू प्लेस्टेशन 5 1 करोड़ तक का प्राइस और थार भी जीत सकते हो। अगेन मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो फर्स्ट डिपॉजिट में आपको एक्स्ट्रा कैश मिल जाएगा, वो भी 20%। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, जाओ यार और अभी अपनी टीम बनाओ। बाकी अगर आपको मुझे पर्सनली कनेक्ट करना है, बात बात करनी, तो इंस्टा ट्विटर पे फॉलो कर लेना मुझे। बैकलैश के सभी मैचेस का रिजल्ट जानना है तो ये रही वीडियो, मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय लॉगिंग आउट।